आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सिवनी पहुंचे और सिवनी में उनके द्वारा अपने पुराने संगी साथी सहयोगियों से चर्चा की गई। उनके द्वारा पुराने संगी साथी सहयोगियों से चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र ट्रांक के छिंदवाड़ा नाके स्थित छिंदवाड़ा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास वाले निवास में वे गए और वहां उन्होंने पत्रकारों से भी कुछ चर्चा की। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बहुत ही साफ गोई के साथ प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा बहुत सारी बातें मीडिया के साथ शेयर की गई। आइए हम सुनाते हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कहा। पूरी तरह से मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और ये अवसर पार्टी ने दिया है, इसलिए मैं अपने हाईकमांड का, राज्य के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। पार्टी जो फैसला करती है उसे मानना, तो उस पर आगे चलना है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का चरित्र। इसलिए मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में जो पार्टी ने फैसला किया है वो श्रेष्ठ फैसला है, मैं उसका नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। एक नीति बनती है पार्टी की, जैसे इस बार पांचों राज्यों में तय किया कि हम कोई लीडर प्रपोज नहीं करेंगे, पांचों राज्यों में नहीं किया। ऐसे ये तय किया कि आखिरकार आप सारे लोग वरिष्ठ सांसद हैं, इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो जूनियर सांसद है, तो भूमिका पार्टी तय करती है ये मान के चलना चाहिए। ये तमाम लोग चार बार पांच बार के सांसद हैं, बोले ठीक है राज्य में अगर वापिस कर दिया है कि आप जाकर वहां चुनाव लड़िए, तो एक कार्यकर्ता के नाते भूमिका दी है जिस पर कार्यकर्ता को खड़ा उतरना चाहिए। क्या लगता है क्या रणनीति अब चूंकि आई गया है? रणनीति तो मैंने आपको बता दी है, बस उसमें कोई धर्म होने नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद, ठीक है। ये थे प्रहलाद सिंह पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, वर्तमान में दमोह से सांसद हैं। वे पहली बार सिवनी से सांसद चुने गए थे और सिवनी से सांसद चुने जाने के बाद बालाघाट छिंदवाड़ा कई स्थानों से वे चुनाव लड़े। केंद्र में इसके पहले भी वे मंत्री रहे, फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार में वे मंत्री हैं। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके साथ प्रहलाद सिंह पटेल सहित अनेक सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए सांसदों को तैयार किया है और विधानसभा चुनाव में सांसद उतरेंगे। इस संबंध में प्रहलाद सिंह पटेल क्या कहना चाह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। ये एक संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि प्रहलाद सिंह पटेल अगर चुनाव में विजयश्री का वरण करते हैं तो निश्चित तौर पर वे एक मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, हो सकते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल वैसे भी बहुत निर्विवाद रहे हैं, उनके साथ कभी विवाद उनके साथ नहीं जुड़े हैं। नरसिंहपुर के वे मूलतः निवासी हैं, जौनपुर विश्वविद्यालय से उनके द्वारा अध्ययन अध्यापन का कार्य वहां पर किया गया, अध्ययन जौनपुर विश्वविद्यालय से उनके द्वारा पूरा किया गया और जबलपुर उनकी कर्मभूमि रही है। प्रहलाद सिंह पटेल अपने आचार विचार के कारण युवाओं का आइकान बने हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत ही साफगोई के साथ उन्होंने सिर्फ खुद के बारे में ये बताया कि वे पहली बार विधानसभा उनके लिए नई होगी क्योंकि वे अभी तक संसद का चुनाव ही लड़ते आए हैं और विधानसभा का चुनाव वे पहली बार लड़ेंगे। पार्टी का आदेश उनके द्वारा कहा गया कि सर्वोपरि है। सिवनी पहुंचकर उनके द्वारा सबसे पहले चुनाव में जिन लोगों के साथ समय बिताया था उनसे उनके द्वारा चर्चा की गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, जय हिंद।